जी, हम अपने उधर लेक डिस्ट्रिक्ट से 4 घंटे का सफ़र करके इधर वेल्स में आए हैं अभी, इधर स्नो डाउन। और इधर के भी मैं कहता हूँ कि लेक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा मज़ेदार सीन है। तो इधर से हमने स्नो डाउन पर जाना है, जैसे इससे इंग्लैंड की सबसे हाईएस्ट पीक थी स्कैफल पाइक, इस तरह स्नो डाउन वेल्स की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो हमने स्नो डाउन जाना है, लेकिन हमने हाइक नहीं करनी आज, हमने ट्रेन पर जाएंगे, क्योंकि हाइक के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए और मेरी घुटने में भी दर्द है तो हाइक हो नहीं सकेगी। तो इसलिए हम ट्रेन पे स्नो डाउन जाएंगे और वहाँ की सीन देखेंगे। लेकिन अभी ट्रेन को 3 घंटे हैं, तब तक हम इधर घूमेंगे, कोई लेक्स वगैरह हैं वो देखेंगे और खाना वगैरह खाएंगे, और उसके बाद फिर हम स्नो डाउन चलेंगे। ये मेरे पीछे ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन पहाड़ी के ऊपर जाती है, तकरीबन 1000 मीटर की पहाड़ी है, और तो और ऊपर लम्बो लम चिको चिक ट्रेन पर जाएंगे। हाँ जी, अभी हमारी ट्रेन को टाइम है, तो सोचा लंच कर लें, और लंच के लिए कोई खूबसूरत जगह चाहिए थी, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कौन सी जगह हो सकती है। तो इधर हम बैठे हैं, ये इधर से सबवे ली है, क्योंकि इधर फिर लाल का मसला, और उधर से फिर सबवे से ट्यूना मिल जाती है, ट्यूना वाला सैंडविच लिया, साथ ड्रिंक वगैरह लिया, आइसक्रीम वगैरह ली, और अब इधर ये मस्त मॉल में बैठ के खाएँगे इतनी देर, फिर उसके बाद हम स्नो डाउन की तरफ जाएंगे वाया ट्रेन। पंगा तो ले लिया इन व्यू के मज़े में, लेकिन अभी 20 मिनट चले हैं और बस हो गई है, और अभी कोई पता नहीं है कितने समिट काट के फिर 3 से 4 घंटे वापस भी आने, और तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। अब मज़े तो हैं, लेकिन अंगल भी ले बैठे हैं, तो अब ये पूरी करनी पड़ेगी। वेल्स की सबसे टॉप पीक पे स्नो डाउन पे खड़े हाय, कर तो लिया हमने, ठीक है, मुश्किल से हुआ पहुंच तो आए। अब बात समिट की नहीं, बात ये है कि अब शाम हो गई है और बादलों में जहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इन हालात में अब डिसेंड करना है, नीचे जाना है, तो अब नीचे पहुंचेंगे रात को, असली एडवेंचर अब नीचे जाते हुए शुरू होगा। आए तो आधा रास्ता ट्रेन पे हैं, आधा रास्ता हाइक की है, तो अब जो नीचे जाना है ना वो मेन चीज़ है। और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी वीडियो देखी है कि इतना वीरान, सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, एक पेड़ और एक कौवा, और कोई बंदा नहीं है इधर, इतना वीरान बड़ा हुआ है, क्योंकि सारे हाइक करके सुबह दिन को चले गए हैं, सिर्फ हम दोनों रह गए हैं। अब इधर से वापस जाने, और इधर की व्यू हर तरफ दूध ही दूध है, कुछ भी नहीं है, व्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, लेकिन फाइनली हमने समिट कर लिया। किधर जा सकते हैं फस गई हूँ, किधर है, अच्छा राब राली हूँ फस गई, आया मजा।
हाँ जी, डिसेंडिंग शाम हो गई है तकरीबन, ये पीछे सनसेट चल रहा है। और अभी वापस जाते हुए ये एक रास्ते में दरख्त नज़र आए, यहाँ सारे ना इधर इस तरह पैनी ना लगा के चले जाते हैं पत्थर के साथ, और इस दरख्त पे ये सब नीचे तक ये पैनियाँ लगी हुई हैं, लगाई सब चवलों ने पैनी है, कहीं कोई पौंड नहीं नज़र आ रहा, किसी ने पौंड लगाने का जिक्रा नहीं किया। लेकिन अभी नीचे चल रहे हैं, डिसेंडिंग चल रही है, तो अभी तकरीबन एक घंटा हुआ है, दो घंटे तकरीबन और लगेंगे, तब तक शायद अंधेरा हो ही जाए, देखते हैं अब अंधेरा होता है या नहीं होता। लेकिन अभी ज़बरदस्त फैसला था ट्रेन मिस करने का, ट्रेन छोड़ने का, क्योंकि ये व्यूज़ और ये जो फ्रेश एयर है ना, बहुत मज़े की है। मुश्किल रास्ता हम ज़्यादा कर आए हैं जो बहुत ज़्यादा स्टीप था, लेकिन अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम से बातें करते हैं, सुकून से अमेजिंग व्यू इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, तो बेस्ट मज़ा आ गया। क्योंकि हाइकिंग, दो हाइकिंग थी इस सारे प्लान में, जिसमें से एक मिस होगी और दूसरी भी मिस हो जानी थी ट्रेन की वजह से, लेकिन हमने ट्रेन को छोड़ा और हाइकिंग को तरजीह दी, तो इसलिए अब स्नो डाउन के वेल्स के मस्त मज़े ले रहे हैं। तो आप भी इंजॉय करें व्यू, तो आप नीचे चल के देखते हैं कि अंधेरा कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है। हाँ जी, हमारी हाइक ख़त्म हो गई है, हम तो पहुँच आए हैं शाम होने से पहले, लेकिन ये है ना, ये अब हाइक पे जा रहे हैं, इनको रात हो ही जाएगी ऊपर समय तक पहुँचते हुए। हाँ जी, हाइक वगैरह सारा कुछ ख़त्म करके बस इधर एक छोटे से गांव में एक होटल मिला, ये गांव के व्यूज़ हैं, बड़ा खूबसूरत छोटा सा गाँव है, थोड़े से गार्डन। अब इधर लास्ट डिनर करना है और रात गुजारनी है और सुबह इंशाल्लाह वापस। और काफ़ी मज़ा किया इस सारे व्लॉग में, इस सारे टूर में, इस सारे सफ़र में, मैं होप करता हूँ कि आपने भी इंजॉय किया होगा जिस जिसने भी देखा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टूर में, सी यू इन अ नेक्स्ट मिशन।